पहली मूवी जो रिलीज हुई थी वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डेप्थ एज वेल एज सोशल क्रिटिसिज्म के साथ हमारा दिल जीत लेती है, पर यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट आया है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भी नहीं ढूंढ पा रही है। Hey guys, welcome back to an exciting video, और आज हम बात कर रहे हैं जोकर फॉल योर ड्यू मूवी के बारे में। इट इज एक्चुअली अ मास्टरपीस, क्योंकि इस मूवी ने मेरा दिल तोड़ दिया है। आई हैड लॉट ऑफ होप्स और बहुत सारा एक्साइटमेंट, पर सब कुछ खत्म हो चुका है। क्योंकि देखो, कॉमिक बुक्स और जो बैटमैन के प्रायर फैंस है वो जोकर को एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर समझते हैं, क्योंकि वो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड है। देखो, जितने भी मूवी देखने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सबको यही लगा था कि मूवी बहुत ज्यादा टेंस होगी, बहुत ज्यादा गोरी ड्रामा होगा, बहुत ज्यादा इंटेंस होगी। देखो यार, 5 साल थे उनके पास ये मूवी को बनाने के लिए। जब मैं मूवी को एक एक सीन में देख रहा था और मुझे लग रहा था कि वो बेटर होने वाली है, तभी मूवी और ज्यादा बेकार हो जाती थी। डायरेक्टर ने यहाँ पे फीलिंग्स और इमोशन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कन्वे करने के लिए विजुअल्स का बहुत ज्यादा यूज किया है, जिसकी वजह से वो स्टोरी को ही भूल गए। आई वॉज सो इरिटेटेड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक सोसाइटल ब्रेकडाउन एज वेल एज मेंटल इलनेस के ऊपर मूवी देख रहा हूँ। आई डोंट नो, इट वाज सो रॉ, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी फील नहीं करवा रही थी, और उन्होंने उसको म्यूजिकल भी बना दिया, जिसके वजह से वो और ज्यादा अननेसेसरी लगती है। दिस इज लाइक, आपने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था, आपने खुद से अपनी मर्जी से उसको बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है। हमें बिल्कुल भी सीक्वल में नहीं चाहिए था कि जोकर डांस और सिंगिंग कर रहा है, हमें यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर होता हुआ देखना था। इनफैक्ट वो गॉथम को भी बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे और बहुत ज्यादा अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर दिखा सकते थे। इट वाज लाइक केओस और डिस्ट्रक्शन मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, और यहाँ पे म्यूजिकल और डांस की वजह से वो पूरी टोन डिमिनिश हो जाती है। एनीवेज, हॉकिन फीनिक्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो हिज परफॉर्मेंस इज फाइन, मतलब वो एक इंटेंस कैरेक्टर को जरूर प्ले करते हैं, बट एज अ मेंटल कैरेक्टर, नॉट एज अ जोकर। लेडी गागा ऑन द अदर हैंड वाज आल्सो वेरी गुड, बट उनका जो एक ओरिजिनल फ्लैम्बॉयंस कैरेक्टर है जो उनकी रियल लाइफ में है, वो उसको बहुत ज्यादा कट शॉट यहाँ पे करते हैं, क्योंकि वो जोकर के कैरेक्टर को ओवरशैडो नहीं कर सकती थी, विच इज एक्चुअली अंडरस्टैंडेबल, बट आई स्टिल फील कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी है। एंड द सैड एंड द वेरी फन पार्ट ऑफ दिस मूवी इज, इसको देख के ये लगता है कि लेडी गागा का रियल लाइफ में कोई एक एल्बम रिलीज हुआ है, और उस एल्बम को ना प्रमोट करने के उन्होंने बस ये मूवी बना दी है। डोंट गेट मी रॉन्ग, लेडी गागा इज सो टैलेंटेड, बट आई रियली डिडंट एंजॉय द सॉन्ग्स इन दिस मूवी, नॉट बिकॉज वो लेडी गागा के हैं, बट इस मूवी को सही में गानों की जरूरत नहीं थी। देखो, मूवी जो है वो अपना टोन ही नहीं ढूंढ पाती है, बहुत ज्यादा एब्सर्डनेस एज वेल एज सोशल कमेंट्री के बीच में फंस जाती है, जिस वजह से वो थॉट प्रोवोकिंग चीजें भी हमें नहीं दिखा पाती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी यहाँ पे बहुत शैलो है। आर्थर कैरेक्टर के जो एक लोनली और जो एक डिस्ट्रप्टिव जर्नी हमने पहले मूवी में देखी थी, सेम यहाँ पे उन्होंने रिपीट करने की कोशिश की है, वो भी इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे एक इमोशनल टेंशन शोकेस होते हुए देखा है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में ही बहुत ज्यादा फील कर लिया था। उन्होंने यहाँ पे ट्राई किया था कि वो बहुत ज्यादा नए लेयर्स डाल सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कोर्ट रूम ड्रामा डाल दिया, बहुत सारे म्यूजिकल्स डाल दिए, बट वो एट द एंड स्टोरी को अच्छे से इफेक्ट नहीं दे पा रहे थे। हमें यहाँ पे मीनिंगफुल एडिशंस की जरूरत थी, बट ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ही फील हो रहे थे। इन शॉर्ट, जोकर फॉल योर ड्यू देखने से पहले मैंने पहले सोच लिया था कि मैं इस मूवी की बहुत ज्यादा तारीफ जरूर करूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, पर मैं इस मूवी से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ। देखो यार, टेक्निकल मेरिट्स तो है, विजुअल्स भी बहुत सुंदर है, और स्टोरी लाइन बिल्कुल बेकार है। एट दी एंड दिस मूवी वॉज रियली सैड फॉर मी, और मैं यही रिकमेंड करूंगा कि यार इस मूवी को तुम लोग OTT पे आने का वेट कर लो, फिर देख लेना। सो गाइस, आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई एम रेटिंग दिस मूवी 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। इट वॉज रियली ग्रेट टॉकिंग अबाउट दिस मूवी, क्योंकि मुझे इस मूवी का रैंक कहीं ना कहीं तो करना ही था। एंड हाँ, वीडियो पसंद आया तो तुम लाइक भी कर देना, और अगर चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड दैट्स इट फॉर this video. Thank you so much for watching, and I'll see you guys in the very next video.